evening, friends. Welcome back. Welcome back, all of you. आप सबों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल में, जहां पर मैं आप सबों को अलग अलग विषयों की तैयारी कराने के लिए रन दे चुका हूं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे अपने दोस्तों के बीच और अपने अपने परिवारों के बीच जरूर इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं इसे और भी आगे बढ़ा सकूँ। आज का वीडियो, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इतिहास की कुछ घटनाओं को छोड़कर 18वीं सदी में भारत में समाज और उसकी जो व्यवस्था थी उस पर चर्चा किया था कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार से पतन की ओर बढ़ रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद अलग अलग क्षेत्र राज्यों का जो उदय होता है, उन क्षेत्र राज्यों पर एक छोटी सी मतलब एक तरह से जानकारी आपको प्रस्तुत की जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने 2-3 राज्यों के बारे में बात किया था, छोटे छोटे क्षेत्र राज्यों के, जैसे कि आपको पता होगा बंगाल के बारे में बात किया मैंने। इसके अलावा आपको पता होगा बंगाल के साथ साथ आपको आज मैं और भी छोटे छोटे विषयों पर जानकारी ले जाऊंगा। मैंने ये वीडियो में अंत तक देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको पूरा संक्षिप्त जानकारी आप सबसे हमारे आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपका शॉर्ट नोट्स बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो पाए। जी हाँ, इस नोट्स के माध्यम से आप तेजी से रिविजन कर सकते हैं और ऐसा राइटिंग आपको काफ़ी मदद मिल सकता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यह सेशन जारी रहेगा, बस आपकी सहयोग की जरूरत है। जी हाँ, सहयोग मतलब आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर, यही काफ़ी है। चलिए बात करेंगे हम लोग 18वीं सदी में भारत की आखिर ओवरऑल कैसी स्थिति थी, कैसी दुर्दशा थी। आप समझ रहे हैं 18वीं सदी अर्थात 1719 से लेके 1799 तक का जो दौर था उसमें क्या उतार चढ़ाव हो रहा था, नए नए क्षेत्रों राज्यों का उदय हो रहा था, उसी राज्य में हम लोग आज बात करेंगे। अवध यानी अभी इलाहाबाद भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके संपर्क में इलाहाबाद भी जाना जाता है और अभी तो जानते हैं कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अवध की बात करें तो अवध का शुरुआती राजा यानी शुरुआती जो शासक था शहादत खान जो 1772 में एक तरह से कहे तो अवध की स्थापना करते हैं और स्वयं को मुगल साम्राज्य से कभी वो अलग नहीं करते। हाँ, लेकिन उनके प्रति मतलब एक तरह से कहे तो सम्मान की दृष्टि को बनाए रखते हैं और अपना शासन व्यवस्था चलाते हैं। काफ़ी अच्छा उचित लगान व्यवस्था की प्रक्रिया, लगान व्यवस्था बहुत ही बेहतर रहता है। उनके शासन के दरमियान किसानों की हालत बहुत ही बेहतर थी, किसान प्रगति कर रहे थे, बहुत ही अच्छी स्थिति थी, जैसे उचित लगान लिया जाता था, किसानों की सहायता की जाती थी, उनसे उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो, इसका हमेशा वो ख्याल रखते थे। अगर धर्म के मामले में इनका दृष्टिकोण देखा जाए तो वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, अर्थात वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, क्योंकि उन्हीं के मतलब एक सर्व सभागर में ही कई हिंदू शासक या कई हिंदू दीवान उनके सहायता करते थे। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी बात है धार्मिक रूप से सहिष्णु होना उस समय के दौर में। अब हम बात करेंगे उसी अवध के इलाहाबाद के ही एक दूसरे शासक जो कि सफदरजंग नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, सफदरजंग, आप एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसी के नाम से रखा गया है। 1754 तक जब तक वो शासन में रहते हैं तब तक जनता की प्रगति अपने कह सकते हैं कि आसमान पर थी, जनता को किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं हो रहा था, जनता चैन और सुखी आनंद और मतलब एक तरह से सब कुछ ठीक ठाक था, न्याय व्यवस्था उचित थी। ओके, उसी के दरमियान उन्होंने लखनवी संस्कृति को बहुत डेवलप किया। लखनवी संस्कृति का जो विकास था, जो परचम लहराया, वो वास्तव में सफदरजंग के विचारों से, उनके सहयोग से हो पाया। और कहें तो दिल्ली में जिस तरह से कला साहित्य संस्कृति का चित्रकला का जो विकास हो रहा था, अगर उसका कोई प्रतिद्वंदी कोई कॉम्पिटिटिव अगर कोई था उस समय तो वो था लखनऊ और वो था शहादत खान के कारण। जी हाँ, शहादत खान ने कला साहित्य संस्कृति को बहुत ही बेहतरीन तरह से प्रोत्साहन दिया। खुद व्यक्तिगत रूप से उनके जो मानसिकता थी वो बहुत ही उच्च था, उनका व्यक्तिगत स्तर बहुत ही ऊंचा था। जीवन भर एक पत्नी के साथ जीवन बिताना बहुत ही उच्च व्यक्तिगत उच्च कोटि के मतलब एक शासक माने जा सकता है। ठीक है, ये बात सिर्फ अवध के राजा के लिए सही नहीं है, बल्कि अवध, बंगाल, इसके अलावा हैदराबाद के जो शासक थे वो भी पर्सनैलिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महान थे, बहुत ही उच्च थे। जिस प्रकार से इतिहासकारों ने उनकी मतलब एक तरह से बुराई की है, बिल्कुल गलत है। बहुत से शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी जनता के प्रति काफी ख्याल रखा है और
और बहुत ही बेहतरीन ढंग से शासन व्यवस्था चलाई है, न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चला है। इनमें से तीन नेता का या तीन राजनेताओं का या तीन शासकों का आप नाम जरूर ले सकते हैं। एक तो आप अवध के, हैदराबाद के, और अभी मैंने जो बताया बंगाल का जो पूरी शासन बहुत ही बेहतरीन था। चलिए अब हम बात करेंगे मैसूर, जो सबसे मतलब एक तरह से कहें तो गंभीर राज्य। हालांकि आपको पता होगा जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था, मराठा साम्राज्य उदय हो रहा था, उसी समय मैसूर भी अपने ऊंचाई पर पहुंच रहा था। और उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान था वो किसका था? वो वास्तव में हैदर अली का था। हैदर अली जो बहुत ही कम शिक्षित थे लेकिन कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली थे, बहुत ही धनी थे, मानसिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत थे। उनके दृष्टिकोण को देखा जाए तो प्रतिभा का धनी इतना था कि वह छोटे पद पर रहते हुए भी किस प्रकार से राजाओं के मन को जीत कर उच्च पद पर बैठता है और फाइनली जाके एक तरह से चलाक राजनीतिक होते हुए शासन व्यवस्था को संभालता है और फिर मैसूर की एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह है हैदर अली का। हैदर अली जिन्होंने आधुनिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपने सेनाओं का एक तरह से बहुत ही विशाल जनसंख्या खड़ा किया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 1754 में उन्होंने दिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार मतलब आधुनिक हथियारों का एक तरह से जखेड़ा जखीरा उन्होंने बनाया और बहुत ही कुशल बुद्धि के माध्यम से विदेशों से मदद मांगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि उन्होंने मुगल शासन प्रणाली में जो राजस्व व्यवस्था थी उस राजस्व व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। राजस्व व्यवस्था काफ़ी कुछ हुआ करता था उस समय, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी सहिष्णु थे। उन्होंने हैदर अली ने किसी भी प्रकार से मानसिकता में उनकी यह घर नहीं कही थी कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई विचार के मन में नहीं आता, क्योंकि उनके ही राज दरबार में कई ऐसे मतलब दीवान या कहे तो सहायता या सेनानायक या राज या मंत्री हिंदू थे जिन्होंने उनको सम्मान के दृष्टिकोण से उच्च पद पर रखा। निश्चित रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से हैदर अली थे। हालांकि अगर बात करें अंग्रेजों के साथ उनकी मुठभेड़ मतलब लड़ाई की तो 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। हालांकि इसमें हैदर अली की विजय होती है, लगभग जीत हार का कोई फैसला नहीं होता है। अंग्रेजों को बहुत झटका पड़ता है, अंग्रेज इससे आहत होते हैं और एक तरह से उनका घमंड जो होता है चूर होता है, लेकिन वो इस हार को या एक तरह से शर्मा को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और फिर अंग्रेज एक बार फिर से चालाकी से और अपने मतलब कूटनीतिक इस्तेमाल से हैदर अली को सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपको 1782 में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और उस मैसूर युद्ध में किसी कारणवश आधुनिक शस्त्रागार के अभाव या फिर और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जो हैदर अली की मौत का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पर मैसूर की साम्राज्य का अंत नहीं होता है बल्कि मैसूर का एक और महान प्रतापी राजा और एक महान प्रतापी शासक, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ टीपू सुल्तान की। इस टीपू सुल्तान के आने से पूरा भारत का इतिहास ही बदल जाता है। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान, रणजीत सिंह ऐसे कई महान शासक हुए हैं, अकबर जैसे या फिर कहें तो महाराणा प्रताप, इनका सुनहरे अक्षरों में इनका जिक्र किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो हम लोग बात करेंगे अब टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान एक बहुत ही जटिल चक्रवर्ती था, उसको समझना बहुत ही मुश्किल था। अंग्रेज हमेशा उससे परेशान रहते थे। अंग्रेज शासक, अंग्रेज जो गवर्नर होते थे वो तो ये भी कहते थे कि ये अशांति का एक प्रतीक है, अशांत आत्मा का कोई व्यक्ति है तो वह है टीपू सुल्तान। अगर टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए कार्यों पर अगर दृष्टिपात करें तो उनके द्वारा नए कैलेंडर जारी किया जाता है, सिक्का ढलाई, इसके अलावा माप तोल की नई प्रणाली व्यवस्था किया जाता है, अलग अलग विषयों के ढेर सारे पुस्तकालयों का किताबों का एक तरह से इनके पास भंडार हुआ करता था। फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। जिस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचारधारा जो उनके मन को झकझोर रहा था, वो चाहते थे कि भारत में भी ऐसी प्रणाली हो जिसमें अंग्रेजों को कोई जगह ना मिले, ठीक है। इसके लिए उन्होंने श्रीरंगपटना में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, साथ ही साथ उन्होंने जैकोबिन क्लब की सदस्यता हासिल की और जागीर प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। आधुनिक नौसेना का गठन किया ताकि आधुनिक नौसेना, क्योंकि उस समय सेना जो था आधुनिक नौसेना का होना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि अपने केरल तट से होते हुए विशाल मालाबार क्षेत्र तक अपने प्रसार को फैलाने के लिए आधुनिक नौसेना का होना बहुत ही जरूरी था, जिस पर टीपू सुल्तान ने भारी नज़र रखी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन इनका सादा था, किसी भी प्रकार का मतलब कहना कोई अशुद्ध विचार इनके मन में नहीं आते थे। दुस्साहसी होता था, योद्धा था, प्रतिभा से राय
प्रतिभाशाली सेना नायक था। उनकी एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है कि शेर की तरह एक दिन जीना बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन रोज रोज भेड़ की तरह मरने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। ठीक है, ये डायलॉग याद रखिए, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। हालांकि उनके जैसे कि तुगलक काल के शासन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सुने होंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मुझे बताइए। हालांकि इनके विचारों में अस्थिरता थी, अस्थायित्व नहीं था, ये जल्दबाजी करते थे और अस्थिर स्वभाव के कारण इनको अंग्रेजों से मुंह खानी पड़ी। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे 1799 चतुर्थ अंग मैसूर युग तक इनको कोई पटक नहीं पाया। भारतीय इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। अगर इनकी आर्थिक दृष्टिकोण भी देखा जाए, किसानों के हितों का दृष्टिकोण देखा जाए, तो किसानों का संरक्षण कहा जाता है, आर्थिक शक्ति का बहुत ही विशाल था। आर्थिक शक्ति को ही वो सैनिक शक्ति का कारण मानते थे। जिस देश का, जिस साम्राज्य का या जिस क्षेत्र का आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा वो सैनिक दृष्टिकोण से भी उच्च होगा। विदेशी सहायता लेने में पीछे हटते नहीं थे, विदेशों से यहाँ तक कि नेपोलियन से भी मदद मांग ली थी। उद्योग धंधे व्यापार को दूर दूर तक प्रसार करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। 1791 में उन्होंने श्रृंगेरी में शारदा मंदिर का निर्माण भी किया करवाया, जो उनके धार्मिक सहिष्णुता का एक तरह से बोधक है। यही ओवरऑल कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान के बारे में, दैट इज द जानकारी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे केरल की। केरल यानी केरल जो कि आपको पता होगा दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य है, जो अभी उस समय के दौर में भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। इसमें राजा मार्तंड वर्मा के बारे में समझिए। राजा मार्तंड वर्मा बहुत ही प्रतिभाशाली धनी थे, दूरदर्शी थी, मतलब इनकी दूरदर्शिता बहुत ही बेहतरीन थी। दृढ़ संकल्प था, साहसी था, निर्भीक था, निर्भीकता और साहस का इनके अंदर बेहतर सामंजस्य था। ठीक है, पश्चिमी मॉडल पर शक्तिशाली फौज को खड़ा किया, आधुनिक हथियारों का एक तरह से मतलब बहुत ही बड़ा विशाल जनसमूह इकट्ठा किया। सिंचाई की अनेक व्यवस्थाएं, अनेक विशेषताएं, संचार, सड़कें, आधुनिक तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से शहर निर्माण इत्यादि राजा मार्तंड वर्मा के दरम्यान में केरल में हो रहा था। धार्मिक दृष्टिकोण से सहिष्णु थे, निर्भीक थे, पश्चिमी मॉडल के से काफ़ी प्रभावित थे। और 18वीं सदी में उनके बाद उनका उत्तराधिकारी के रूप में राजा वर्मा, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि, विद्वान, संगीतज्ञ और प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में उभर कर आए और सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में अंग्रेजी धारा प्रभाव बोलते थे। दो व्यक्ति, एक तो आप याद रखिएगा त्रावणकोर के संबंध में राजा मार्तंड वर्मा और उसके एक प्रतिभाशाली जो उनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था राजा वर्मा या राम वर्मा। और फाइनली राजपूत राज्य की बात करें तो सवाई जयसिंह, आप सब जानते हैं कि श्रेष्ठ राजपूत शासक में अगर कोई एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वह है आमेर का सवाई जयसिंह। जी हाँ, आमेर का सवाई जयसिंह विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। विज्ञान से उनको गहरा लगाव था, विज्ञान प्रेमी थे। आपको जयपुर की सिटी का जो डेवलपमेंट है वो किसने किया? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह विज्ञान और कला के प्रति इतनी रुचि ले रहे थे कि उनके बहुत सारे विज्ञान के और प्रसिद्ध केंद्र थे, वेधशालाएँ थी, वैज्ञानिक तरीके से शहर का नियोजन किया गया था, वैज्ञानिक ढंग से शहर को डेवलप किया गया था। उन्हें महान खगोल शास्त्री का संज्ञा दिया जाता है क्योंकि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में उन्होंने ऐसे ऐसे उपकरण, ऐसे ऐसे प्रयोगशालाएं बनाई थी जो उस समय के दृष्टिकोण से बहुत ही आगे था, मतलब उस समय के दृष्टिकोण से बहुत आगे थे। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही का निर्माण सवाई जयसिंह ने ही किया था। यूक्लिड की रेखा गणित के तत्व का संस्कृत अनुवाद किसने करवाया? यूक्लिड की रेखा गणित के संस्कृत अनुवाद सवाई जयसिंह राजा ने ही करवाया था। और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने कहा कि शादी और जो समारोह होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना किया जाए क्योंकि शादी के लिए और दहेज के लिए बहुत सी बालिकाओं का हत्या हो जाता है। दैट्स व्हाई उन्होंने शादी पर जो खर्चे थे उसको कटौती करने का भरपूर प्रयास किया। अब हम लोग बात करेंगे जाट। जाट देखिए वास्तव में एक खेतीहर की जाति है। जाटों के बारे में समझने के लिए आपको तीन राजाओं का, एक तो चूड़ामण, दूसरा है बदन सिंह और तीसरा है सूरजमल। सबसे ज़्यादा आप सूरजमल के बारे में समझ जाइए। सूरजमल उस समय का सबसे उच्चतम, अत्यंत गरिमा वाला और योग्य शासक माना जाता है। बुद्धिमान राजनेता था, किसान की पोशाक जरूर पहनता था लेकिन जाट का अफलातून कहलाता है वो। जाटों का अफलातून अर्थात प्लेटो, जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है।
उस समय उन्होंने नागरिकों के मामलों का प्रबंधन इतना बेहतर ढंग से किया कि उसका कोई सानी नहीं था, मतलब उसका कोई विकल्प नहीं था। इतना बेहतर ढंग से राजस्व उठाना और एक ओवरऑल कहे तो नागरिकों के मामलों का प्रबंधन करना बहुत ही बेहतरीन ढंग से जाटों का व्यवस्था अपने शिखर पर था, तो वो था सूरजमल्के का। और फाइनली हम लोग इस क्लास की अंतिम कड़ी में है, सिख साम्राज्य की स्थापना जनरली गुरु नानक देव 15वीं शताब्दी में माना जाता है। 10वें आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी हाँ 1766 में इनका जन्म हुआ था और 1708 में इनकी देहांत हो गई। उनके नेतृत्व में सिख राजनीतिक और फौजी ताकत के रूप में इकट्ठा हुआ। गुरु परंपरा जनरली 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह के देहांत के पश्चात समाप्त कर दिया गया। उसी में आगे चल के रंजीत सिंह की जानकारी थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए। रंजीत सिंह ये सुकेरचिया मिसल के प्रधान थे और साहसी थे, कुशल प्रतिभाशाली थे और उनमें वो भी सारे गुण थे जो अब तक मैंने विशेष विशेष राजाओं के बारे में जो बताया, जो शासकों के बारे में बताया, सहिष्णु थे, धार्मिक रूप से आधुनिक विचारों से मतलब प्रेरित थे और विदेशी सहायता विदेशों से और वैज्ञानिकता अपोज से ये दूर नहीं थे, बल्कि ये बहुत संपर्क में स्थापित रखते थे। यूरोपीय प्रशिक्षण इनके अंदर और अपने सेनाओं को यूरोपीय प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि मजबूत सेना हो पाए और वर्ल्ड की तीसरी सेना इनके पास हुआ करती थी उस समय। धर्मपरायण सिख क्योंकि ये हमेशा जो मुसलमानों के फकीर थे अपनी दाढ़ी से उनके धूल को साफ किया करते थे, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक तरह से बोधक है। तो इस प्रकार मैंने 18वीं सदी में जो क्षेत्र राज्य थे, चाहे हैदराबाद हो, बंगाल हो, अवध हो, मैसूर हो, केरल हो, जाट हो या फिर सिख हो या राजपूत राज्य हो, उनके बारे में संक्षिप्त जिक्र किया गया। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, यू मस्ट गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लॉट वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।